साथ भाई का हेलमेट बहुत प्यारा लग रहा है, कलर चेंज हो रहा है जैसे जैसे घूम रहे हैं। और ये है राजस्थान की ब्यूटी। सर डू यू नीड एनी हेल्प सर? लद्दाख में बैठे हम लोग, लद्दाख। यस, लद्दाख में फुल ठंडा माहौल है और इग्लू में बैठे। फाइनली हम लोगों को परमिशन मिल गया है मोनाबाव स्टेशन पे आने के लिए, जो लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया है। यहाँ से आप आगे जाओगे तो आपको पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। सिंध में तो नहीं जा सकते, बट ये बॉर्डर पे आना ही बहुत बड़ी बात है। आई एम श्योर 50 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर है, क्योंकि पानी हाफ बॉइल हो चुका है। पानी का बॉटल भी देखो एकदम पतला हो गया, एकदम अलग ही शेप हो चुका है। रेस है, गाड़ी बिल्कुल भगाना नहीं। यो छोटा हिरन। एंड मेरे पीछे है जैसलमेर फोर्ट। नाचना नाचना नाचना। ओए की हाल चाल। ओए हम लोग पहुंच चुके थे कल बाड़मेर में। बाड़मेर में हम लोग रुके। बाड़मेर से यहाँ से जाना है मोनाबाव बॉर्डर पे। बॉर्डर जो स्टेशन है, स्टेशन के आगे बॉर्डर है, जीरो लाइन बॉर्डर है, जहाँ से सिंध स्टार्ट होता है। हम लोग बॉर्डर तक जाने वाले हैं। बॉर्डर तक जाने के लिए हम लोग को यहाँ पर के लोगों ने बोला है कि आपको बाइक्स तो अलाउड है ही नहीं बिल्कुल भी, बट फिर भी आप परमिशन लेके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ तक आपको स्टेशन तक भी जाने नहीं देते। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जो पंजाब सिंध, सिंध का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे आज हम लोग जाने वाले हैं। तो हम लोगों की गाड़ियाँ हो गई है रेडी, हम लोग निकल रहे। एकदम धूप है, बहुत ज़बरदस्त धूप है। आज की जर्नी बाड़मेर टू मोनाबाव, मोनाबाव टू जैसलमेर। तो चलो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। अरे प्रसाद भाई का हेलमेट बहुत प्यारा लग रहा है, कलर चेंज हो रहा है जैसे जैसे घूम रहे हैं, और वो कलर चेंजिंग के हिसाब से डाला हुआ उन्होंने एक गॉगल, एकदम मैच हो रहा है ना, पूरा प्यारा लग रहा है। हाँ पूरा एकदम बंदा ही प्यारा है। आज का हमारा पूरा टेस्ट राइड है, जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट गर्मी वाला राइड है, वो आज होने वाला है। सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर मुझसे बातें करनी है तो नज़र झुका के करे, नज़र झुका के करे। चलो भाई लोग गर्मी में राइड स्टार्ट करते हैं। ये बाड़मेर से मोनाबाव जाने वाला रूट है, रास्ता बहुत अच्छा है, आराम से जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गर्मी बहुत है। अब पेट्रोल फुल करके निकलो बाड़मेर से, या अगर जैसलमेर से निकल रहे हो तो पेट्रोल फुल करके निकलो। वो देखो वहाँ पर रेत का बवंडर है पूरा, तो दिखाई दे रहा है वहाँ पर, इतना दूर है वो, पूरा ऊपर तक जा रहा है। देखो और ये है राजस्थान की ब्यूटी। सर डू यू नीड एनी हेल्प सर? सर सर आराम कर रहे क्या सर? लगाओ हाथ। पूरी रेत में स्लिप हो गई गाड़ी, अब उठेगी कैसे यार गर्मी में। 1 2 3 ओके। हाँ मैं पानी पी कर ही जाएगा। उतरी एक मिनट, एक मिनट मैं वो उसमें झोपड़े में बैठ रहा हूँ जाके। गरम 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 गरम। ए भाई सांप नहीं है ना इधर कोई? ओए कोई सांप नहीं है ना? हाँ आ जाओ प्रसाद भाई। क्या बोलते भाई, कैसा चल रहा है भाई? लद्दाख में बैठे हम लोग, लद्दाख। यस लद्दाख में, लद्दाख में फुल ठंडा माहौल है और इग्लू में बैठे जी। इग्लू में थोड़ा इग्लू भी बताऊं इन लोग को। यहाँ पे रेस्ट करके हम लोग अभी निकल रहे आगे। 30 किलोमीटर से मोनाबाव। हाँ बहुत बहुत गर्म है।
भैया है ना वहाँ तक मैं जाके आया हां ताज होटल है ना मैं हां ले ले नाल ले हेड वहां बंदर वेलफेयर रूम के अंदर रखे फ्रेश हो गए यहाँ पे भाई लोग। मस्त जगह था यहाँ पर, मोनाबाव से 10 किलोमीटर पहले आप रुक सकते हो थोड़ा। यहाँ पर छोटा सा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। आपको पानी वानी पीने मिल जाएगा, थोड़ा फ्रूट्स खाने मिल जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो और गर्म होने वाला है। अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, एक बाइकर को ये सब एक्सपीरियंस होना चाहिए। खाली एक पर्टिकुलर जो हर जगह पर सब जाते हैं वहाँ पर नहीं जाके, कुछ अलग चीज़ें हैं वो भी करना चाहिए हर एक बाइकर ने। क्या रास्ता है, रास्ता देखो तुम, बारमेर से लेके मोनाबाव तक पूरा ऐसे ही सीधा सीधा रास्ता है, ऊपर नीचे पूरा सैंड ड्यून जैसा रास्ता बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा जाएंगे तो जाएंगे मोनाबाव, और राइट मार के जाएंगे तो जाएंगे टनोट। टनोट मतलब जैसलमेर, जैसलमेर साइड पे जाता है ये। आपको फर्स्ट चेक पोस्ट लगेगा, आपको यहाँ पर आपका आईडी वगैरह सब दिखाना पड़ेगा। यहाँ से परमिशन मिलेगी तो आप अंदर आगे जा सकते हो। मोनाबाव बॉर्डर चेक पोस्ट BSF। तो फाइनली हम लोगों को स्टेशन तक जाने तक की परमिशन दी है। तो ये रहा मोनाबाव स्टेशन, इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। वाओ, दिस इज द लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया, इसके आगे पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। फाइनली हम लोगों को परमिशन मिल गया मोनाबाव स्टेशन पे आने के लिए, जो लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया है। यहाँ से आप आगे जाओगे तो आपको पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा, जो सिंध इलाका है, ये सिंध का बॉर्डर है। तो हम लोग जो परिक्रमा कर रहे हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो सिंध में तो नहीं जा सकते, बट ये बॉर्डर पे आना ही बहुत बड़ी बात है। प्रसाद भाई लेट्स गो, थैंक यू BSF, थैंक यू इंडिया टूरिज्म, एंड थैंक यू एवरीवन सपोर्टिंग आवर आज़ादी की अमृत परिक्रमा। ये हम लोग हैं मोनाबाव के पास में, फ़ोन वोन कुछ भी काम नहीं कर रहा, इतना ओवर हीट होकर सब कुछ बंद हो गया हमारा, कैमरा भी चालू हुआ। प्रसाद भाई ज़रा इधर आओ, इधर आओ, हाथ धो तुम्हारा। क्या हुआ, हाथ धोने का? हाँ धोने, ये लो लो। ठंडा लगा? चलोगे क्या? ठंडा लगा भाई लोग, आई एम श्योर 50 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर है क्योंकि पानी हाफ बॉइल हो चुका है। पानी का बॉटल भी देखो एकदम पतला हो गया, एकदम अलग ही शेप हो चुका है, बहुत बेकार हालत है। अब यहाँ से हम लोग निकलते आगे। चलो प्रसाद भाई और मैं, हम दोनों ने कर लिया मोनाबाव सिंध बॉर्डर, आगे सीधा जाएंगे कराची। कराची बेकरी जाने का क्या यहाँ से? वो देखो वहाँ से सीधा थोड़ा आगे जाएंगे तो कराची बेकरी आ जाएगी ओरिजिनल, वहाँ पर भी हैदराबाद है, वहाँ पे भी हैदराबाद। चलो लेट्स गो। चलो भाई लोग, इस चुपती जलती गर्मी में हमारे हेलमेट ने, जैकेट ने, गोप्रो ने और बाइक्स ने हमारे बहुत साथ दिया, नहीं तो नॉर्मली इतने हैवी, इतने हाई टेम्परेचर में सारी गाड़ियाँ दम तोड़ देती है, सब बंदे लोग, इंसान लोग दम तोड़ देते हैं। बट अच्छा सपोर्ट मिला हमें हर जगह पे, अच्छे से हर लोग ने अच्छे से हमें ट्रीट किया, बहुत अच्छा लगा। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा बॉर्डर इलाका है और बहुत 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 तेज़ धूप है। तो भाई हैट्स ऑफ टू BSF जो इतनी गर्मी में भी, भाई हम लोग ने सुना था बहुत ठंडी में तो ड्यूटी करते हैं, बट यहाँ पर इतनी गर्मी में ड्यूटी करना वो बहुत बड़ी बात है भाई। हैट्स ऑफ इंडियन आर्मी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान वो साइड में पाकिस्तान है, कराची है। मज़ा आ गया, दिस इज़ एन अचीवमेंट जो यहाँ पर है मोनाबाव द लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया। मज़ा आ गया, एक अचीवमेंट हो गया ये। सब देख सकते हो, सब सैंड ड्यून्स बने हुए हैं यहाँ पर, जगह जगह पे आपको ऐसा बड़े बड़े सैंड ड्यून्स दिखेंगे।
यहाँ पर तुम लोगों को इतनी सारी गाय दिखेंगी, इतनी सारी गाय दिखेंगी कि तुम काउंटिंग भूल जाओगे। हे गाइस व्हाट्सअप, देखो पूरा सैंड ड्यून्स बना हुआ है, भारत माला, वाओ। के बीच में रेस है, गाड़ी बिल्कुल भगाना नहीं, लग गए। और बीच बीच में खड्डे हैं यहाँ पर, कुछ कुछ गाड़ी भी हैवी है ना, कंट्रोल नहीं होती है ये। हाँ रोड यही है, अपना स्केट करके चल रही है यहाँ पे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तेरी अटक अटक अटक, मैं कुछ नहीं कर रहा, गाड़ी अपना चल रही है। नहीं ये खड्डे यहाँ पर, अच्छा ये रास्ते के बीच में खड्डे, खड्डे में गाड़ी दब रही है। स्लो 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 स्लो, रेस मत दो। हाँ वेरी गुड। यो छोटा हिरन, हेलो, मजा आ जाएगा ये रास्ते के ऊपर गाड़ी चलाने के लिए तुमको। ये रास्ता हर एक राइडर ने एक्सप्लोर करना ही चाहिए। देखो हिरन 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 हिरन, कितने सारे दिख रहे रास्ते, कितने दिख रहे रास्ते में। हम लोग आ चुके हैं ओएसिस होटल जैसलमेर पे, मस्त होटल एकदम। आज हम लोग जैसलमेर पहुंच चुके हैं, हम लोग निकले थे बाड़मेर से, बाड़मेर से मोनापाव गए, मोनापाव जो लास्ट स्टेशन ऑफ इंडिया है वहां से आप जब भी निकलोगे जैसलमेर के लिए, रास्ता बहुत अच्छा है, थोड़ा छोटा रोड है बीच में, बट रोड आर एक्सेलेंट। एंड आपको रास्ते में खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आप सब लेकर जाओ, पानी की कम से कम 5-6 बॉटल लेकर जाओ। अगर आपके बाइक का माइलेज कम है तो आप पेट्रोल कैरी करो, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है। जैसलमेर से अगर आप मोनापाव जाते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, बाड़मेर से मोनापाव जाते हो तो आपको थोड़ा कुछ मिल सकता है रास्ते के बीच में। ये एक बहुत अच्छा दिन था हमारा, बहुत मज़ा आया। एंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जैसलमेर में, जैसलमेर फोर्ट, वो देखो पूरा। एंड हम लोग बैठे हैं यहाँ पर ये रूफ टॉप रेस्टोरेंट पर, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब गर्मी के टाइम पर भी बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। ओए की हाल चाल, ओए, कल हम लोग पहुंच गए थे जैसलमेर में, जैसलमेर में हम लोग यहाँ पर रुके, बहुत अच्छा हम लोगों का जर्नी हो गया कल। बाड़मेर से लेके मोनापाव गए, मोनापाव से जैसलमेर तक आए। यहाँ पर रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मोनापाव से जैसलमेर तक, तो आपकी गाड़ी जो है पूरा फुल पेट्रोल रखो, बहुत सारा पानी रखो, और बीच में कुछ खाने पीने के लिए आपका सामान आप कैरी करके चलिए। हम लोग आज जा रहे हैं बीकानेर पे, आज यहाँ से बीकानेर जाएंगे, जैसलमेर टू बीकानेर। तो चलो आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हम लोग रुके थे ये होटल ओएसिस में जैसलमेर पे, अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं बीकानेर। हम लोग थोड़ा लेट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 5 बजे। हम लोग इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी में हम लोग बाइक नहीं चला पाएंगे अभी, तो रात को थोड़ा जर्नी करके लेट पहुँचेंगे बीकानेर में। जैसलमेर से बीकानेर आपको पोखरण होते हुए जाना पड़ेगा, बहुत सही हाईवे है, बहुत सही है, एकदम सीधा सीधा रोड है। हम लोग पोखरण में यहाँ रुके थे होटल गोल्डन पैलेस, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे बीकानेर। बीकानेर यहाँ से ऑलमोस्ट है 230 किलोमीटर्स। नाचना 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 ये मैं पहुंचा हूँ भरत पैलेस होटल पे।